हेलो फ्रेंड्स, तो हम क्या बनाने वाले हैं वो तो आपको पता चल ही गया होगा। अब हम कैसे बनाने वाले हैं वो देखते हैं। इसके लिए हमें लगेगा ऊन, और हमें लगेगा पेपर क्लिप्स, ये है सीज़र, ब्लैक पेन और मार्कर, फेविकॉल, ये कुछ कलरफुल चार्ट पेपर्स। अब हमें ऊन को अपने चारों उंगलियों में अच्छे से रोल करना है। आप जितना ज़्यादा रोल करेंगे आपका पॉम पॉम उतना ही अच्छा और डेंस बनेगा, तो आपको बहुत अच्छे से रोल करना है। अब हम इसे निकालेंगे और इसके बीचों बीच अच्छे से टाइट नॉट बांध देंगे। ये देखिए, अब हम सीज़र यूज़ करके इसे काट रहे हैं। इस प्रकार दोनों तरफ से हम काटेंगे। अब आप इसे स्प्रेड कर ले अच्छे से, ताकि थोड़ा अच्छा सा गोल आकार इसे मिल जाए। फिर हमें कैंची का इस्तेमाल करके इसे चारों तरफ से काटना है थोड़ा थोड़ा, ताकि इसे थोड़ा डेंस लुक आए। ये देखिए, हमारा पॉम्पॉम तैयार है। ये मैंने चार्ट पेपर में आंखें पहले से बना के रखी हैं। अब हम आंखों को चिपकाएंगे छोटे पॉम्पॉम पे, कुछ इस प्रकार। आप आंखों के लिए बटन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम रेड चार्ट पेपर का यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम इस चूज़े की चोंच बना सकें। आप किसी रेड फैब्रिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं रेड चार्ट पेपर की जगह। अब आप इसकी चोंच चिपका दीजिए ऐसे। अब हम चूज़े की पैर बनाने के लिए पेपर क्लिप का इस्तेमाल करेंगे। हमने रेड कलर का पेपर क्लिप लिया है। आप कोई भी कलर अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। अब हम इसे पॉम्पॉम के अंदर डाल रहे हैं, ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए। आप ग्लू गन का इस्तेमाल करके इसे और अच्छे से फिक्स कर सकते हैं। अब आप दोनों पॉम्पॉम को चिपका दीजिए। अब आप किसी रिबन या ऊन का इस्तेमाल करके इसका बो बना सकते हैं। अब ये तैयार है। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।